हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2019 उसके लिए आवेदन फॉर्म लिया जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले कि UPTET का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए आपका TET एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन जो है आप जानते हो, आपका CET, DED, DLED, BED ये सब क्वालिफिकेशन आपका होना अनिवार्य है, ये लिखा हुआ है। तो फीस थोड़ा देख लेते हैं कितना लिया जा रहा है। फीस आपका लिया जा रहा है, देख लेते हैं, फीस आपका लिया जा रहा है पर सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए पेपर वन के लिए आपका 600 लिया जा रहा है। अगर पेपर टू और वन दोनों अगर ले रहे हो तो आपको 1200 रुपया देना पड़ेगा। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पेपर वन या पेपर टू जिस भी सब्जेक्ट से एक आप ले रहे हो तो 400 रुपया देना होगा। दोनों के लिए आपका 800 और विकलांग श्रेणी के लिए 100 रुपया लिया जा रहा है पेपर वन टू के लिए। और जो दोनों दे रहे हैं दोनों पेपर उनके लिए 200 रुपया लिया जा रहा है। और आपका ऑनलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपका कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, 150 मार्क का आपका एग्ज़ाम रहेगा और 2.5 घंटा का आपका टाइम रहेगा। और 2.5 घंटे का टाइम के अंदर आपको ये एग्ज़ाम फिनिश करना होगा। और उसके लिए जो आपका OMR शीट में मूल्यांकन किया जाएगा, सॉरी ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, OMR से होगा। और परीक्षा की समय सारणी जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत अनुमोदित तिथिवार परीक्षा कार्यक्रम सामरी विवरण के अनुसार कराया जाएगा। तो पेपर वन का आपका ये जो दिया हुआ है सिलेबस, बाल विकास, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ, समावेश शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श, अधिगम और अध्यापन, भाषा वन हिंदी, और इस तरह आपका भाषा टू इंग्लिश, इस तरह आपका दिया हुआ है, भाषा थ्री उर्दू, भाषा सेकंड जो संस्कृत, यह आपका दिया हुआ है सिलेबस। आप किस तरह एग्ज़ाम दोगे उसी प्रकार आपका सिलेबस हुआ दिया हुआ है फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर के लिए। और ये जो आपका आवेदन करने का जो तिथि है वो आवेदन करने का अंतिम तिथि 15/11/19 को है। आप 15/11/19 से पहले ये फॉर्म आवेदन कर सकते हो। और आप ये TET एग्ज़ाम के लिए अपना नाम पंजीकृत कर सकते हो। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।